अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुना मारियम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी जो फैमिली का हिस्सा बन जाए। आज हम बात करेंगे क्राइलॉन टीवी पेंट स्टिक पे। ठीक है, आपको पता है कि ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि हर इंटरनेशनल में यूज होता है, हर इंटरनेशनल पार्लर्स में यूज होता है। हमारे ज्यादातर मोस्टली ज्यादातर यूज होने वाला जो ब्रांड है ना, वो क्राइलॉन होता है। ठीक है, क्राइलॉन से जो बेस बनती है ना, वो मैं कहती हूँ किसी और फाउंडेशन से नहीं बन सकती। ठीक है, ये आपको फुल कवरेज फाउंडेशन, ये स्टिक फाउंडेशन जो होती है फुल कवरेज फाउंडेशन होती है। ठीक है, अगर इसको लगाने का तरीका आए ना, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट फाउंडेशन है। सो आज मैं इसका रिव्यू करूंगी। बहुत ही मजे की फाउंडेशन होती है ये, और पहले तो आपको पता है ये कितनी सस्ती होती थी, अब तो ये इतने आसमानों पर उड़ने लग गई है ना, क्या आपको मैं क्या ही बताऊं, ये तो आसमानों से बातें करने लग गई है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जिनको एक दफा ये लेने वाली बात होती है, एक दफा ले लेंगे ना तो आपका काम बिल्कुल इजी है, बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, आज मैं उनका आंसर डिटेल में आपको दे दूंगी। और ये देख सकते हैं कि मैंने डायरी में ना कंप्लीट जो है ना, इसका जो रिव्यू मैंने करना है, जैसे कि आपको बताना है कि किन किन टॉपिक पे मैंने बात करनी है। भूल जाती हूँ ना, जाहिर सी बात है, वीडियो जब स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर ऐसे ऐसा भूल जाती हूँ। तो उस तरह से ये जब लिख लो ना, तो ये टॉपिक याद रहते हैं कि यार इस टॉपिक पे बात करनी है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स मैंने लिखनी है, आपकी हर बात का जो है आंसर इस टॉपिक में होगा। ठीक है, ये बेसिकली पार्ट वन है। ठीक है, पार्ट टू में आपको मैं इसकी कुछ और क्लियर बातें बता दूंगी कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले जो है हम बात करेंगे कि हम जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। ठीक है, इन तीन स्किन पे मैं बात बताऊंगी कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आपको असल प्रोसीजर क्या है। जिनकी बेस बहुत ज्यादा क्रैक हो जाती है, जाहिर सी बात है ये जो ऑयली स्किन होती है, ऑयली स्किन पे बेस ज्यादा टिकती नहीं है। ठीक है, और ड्राई स्किन होती है, ड्राई स्किन पे स्टिक फाउंडेशन जो होती है पैच कर जाती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन पे भी बेस, यानी कि अगर आपको लगाने का तरीका नहीं है तो वो नहीं टिक सकती। ठीक है, सो इन सब का जो आंसर है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। मेक श्योर कि सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट गेट स्टार्ट। करके सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मिनट, सबसे पहले ये देखें मैंने जो टॉपिक चूज किया ना है, एक ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, स्कार्स वाली स्किन, डिस्कलरेशन वाली स्किन और डार्क सर्कल्स, और डार्क सर्कल्स कैसे हाइड कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन स्किन एंड ग्लोई बेस किस तरह से आप बना सकते हैं, ऑयल कंट्रोल यानी कि पिगमेंटेशन वाली स्किन पे आप किस तरह से ये वाली बेस बना सकते हैं, डार्क स्किन पे कैसे बेस बना सकते हैं कि वो आपकी डार्क स्किन पे बेस बनती है जब तो ग्रे हो जाती है, लाइट कलर के बेस बनाए तब भी ग्रे हो जाती है, क्यों ग्रे होती है ये भी बताऊंगी। जिनके खड्डे होते हैं, स्कार्स यानी कि जो गड़े होते हैं, वो उनके लिए भी मैं टिप बताऊंगी, लेकिन इन सबको मैंने पार्ट टू में डिवाइड किया है, टू पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में हम कुछ बातें क्लियर करेंगे, सेकंड पार्ट में हम तमाम इसकी जो डिटेल है ना मैं आपको यानी कि दे दूंगी। फर्स्ट पार्ट आप देख लें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई स्किन पे। ठीक है, कि हम ड्राई स्किन पे इसको किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपने फेस को सबसे पहले अपनी बेस को यानी कि बनाने से पहले हम अपने फेस को प्रेप करते हैं, मतलब प्रेप मतलब कि हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, देन अपनी बेस लगाते हैं, तो ये होता है सारा प्रोसीजर। ठीक है, डायरेक्ट बेस नहीं लगाते हैं। आपको पता है कि ड्राई स्किन पे जब अगर हम स्टिक फाउंडेशन लगाते हैं ना, ऐसे मेरे पास जो शेड है इनके है, एक आइवरी शेड है और एक 3W शेड है। आइवरी शेड जो आपको पता है कि आइवरी शेड जो होता है ये मेरी स्किन टोन्स के साथ बिल्कुल मैच होता है, आइवरी शेड। ठीक है, आइवरी शेड जो होता है आपको पता है ये फुल फेयर इनका शेड होता है। ठीक है, और 3W शेड जो होता है ये इनका थोड़ा पिंकिश टोन में जाता है। मैं ड्राई स्किन वालों को प्रेफर यही करूंगी कि वो निविया का ये वाला जो कोल्ड क्रीम वाला मॉइस्चराइजर होता है ना, ये यूज करें, ये बेस्ट होता है ड्राई स्किन वालों के लिए। अगर आप ये वाला यूज करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो अच्छे तरीके से, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी स्किन को अच्छे तरीके से हाइड्रेट कर लेना है। ये देखें, समझ लें, मैंने अपने क्रीम से यानी कि अपना फेस को वो कर लिया।
ये देखें, सबसे पहले हमने ये मॉइस्चराइजर लगा लिया। मॉइस्चराइजर के बाद हम क्या यूज करते हैं, अपनी स्किन को हाइड्रेट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप ये देख लें कि ड्राई स्किन वाले हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, ये क्या कहते हैं, ऑयली हो, सारी स्किन के लिए सबसे पहले हाइड्रेट यानी कि फेस को प्रेप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है। हाइड्रेट के लिए सबसे पहले मैंने ये लगा लिया, मॉइस्चराइजर लगा लिया। ड्राई स्किन वालों की बात करें, ड्राई स्किन वाले क्या करना है, सीरम। सीरम मेरे पास जो है वो ब्यूटीफाई बाय आमना का सीरम है। ठीक है, 24 के गोल्ड सीरम। आप ये देख लें कि मेरे पास 24 के गोल्ड सीरम है। अगर आपके पास कोई भी सीरम है, ऑयली सीरम होना चाहिए। बस ये देखना है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने जो भी प्रोडक्ट यूज करनी है वो ऑयली हो। ठीक है, आपने ऑयली सीरम यूज करना है। सीरम को अच्छे तरीके से यानी कि ऐसे हल्का सा लेके, ठीक है, ज्यादा इतना कोई भर भर के नहीं लगा लेना होता, थोड़ा सा लेके, ठीक है, हल्का सा बिल्कुल, ठीक है, और इसको डैबिंग मोशन में डैप 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 करके ऐसे पेनिट्रेट करके अपने अच्छे तरीके से अपने फेस के अंदर। ये देखें कि मेरी स्किन ऑयली लगने लग गई है, ऑयली लगने लग गई है, इससे ज्यादा ये वाली स्किन मेरी ऑयली लगने लग गई है। अब हमारी स्किन हो गई प्रेप। ठीक है, आपने अगर प्राइमर लगाना है, प्राइमर आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी यानी कि अगर आपके पोर्स ओपन हैं, अगर आपके पोर्स ओपन हैं तो आप पोरफिट प्राइमर लगाइए। ठीक है, पोरफिट एक मिनट में की स्किन यानी कि स्किन पे पोर्स हैं, मतलब ओपन पोर्स हैं, तो आप पोर्टफेट प्राइमर लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर, ठीक है, कोल्ड क्रीम वाला। ठीक है, देन हम लगाएंगे सीरम, सीरम ऑयली होना चाहिए, और देन हम लगाएंगे अगर आपके पोर्स ओपन हैं तो आप लगाएंगे पोर्टफेट प्राइमर, पोर्टफेट प्राइमर। ठीक है, तो ये आप लाइट से अपने इस तरह से लगा लें, जहां जहां आपके ओपन पोर्स हैं आपने इसको अच्छे तरीके से लगा लेना है। ठीक है, लगाने के बाद आपने क्या करना है, फाउंडेशन लगाना। आपने ड्राई स्किन वालों के लिए ये बात बता रही हूँ कि ड्राई स्किन वाले जो फाउंडेशन है वो हमेशा फाउंडेशन को गीले स्पंज के साथ लगाएंगे। ठीक है, गीले स्पंज के साथ लगाने से ये होता है कि आपकी फिनिशिंग में बेस आती है, बहुत ड्यूई फिनिशिंग में बेस बनती है। गीले स्पंज को अच्छे तरीके से निचोड़ के ना, उसको अच्छे तरीके से उसका पानी निकालने के बाद आपने उसको ऐसे 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 डैबिंग मोशन में डैब डैब करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट दूसरी वाली ले लो, ये ठीक है, ये मैंने फाउंडेशन ली। ठीक है, ब्लेंडर की, ब्लेंडर को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लगा लें। ठीक है, या आपने डायरेक्ट लगाना है तो आप डायरेक्ट तो मत लगाएं, लेकिन मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप ब्लेंडर से ऐसे ऐसे करके ना तो ऐसे फिनिशिंग में अपनी बेस बनाएं। ठीक है, ये देखें, अगर आपके पास इस तरह से कबूकी ब्रश है तो आप फ्लैट कबूकी ब्रश है, इससे भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास स्पंज नहीं है तो, स्पंज नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ये हमारी बेस रेडी हो गई। ठीक है, अब हमने इसको सेट करने के लिए कोई भी आप ट्रांसलूसेंट पाउडर ले लें। ठीक है, एंड में मैं आपको इसको सेट करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि सारी बेसिस को सेट करने का एक ही मोस्टली तरीका होता है। ठीक है, ये हमारा ड्राई स्किन वालों का जो प्रोसीजर है वो खत्म हो गया, ये स्टिक लगाएंगे। ठीक है, तो उनके पैचेस नहीं बनेंगे, क्योंकि ड्राई स्किन वाले फाउंड ये स्टिक नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके पैच बन जाते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेंगे तो आपके पैचेस नहीं बनेंगे और बेस बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी। अब हमारा ड्राई स्किन वाले क्लियर हो गए, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन वाले। कॉम्बिनेशन स्किन वाले ऐसे होते हैं कि उनकी ये जो नोज होती है ये ऑयली होती है, और फोरहेड और चिन जो होती है वो ड्राई होती है। ठीक है, किसी की फोरहेड और चिन ऑयली होती है और ये चीज ड्राई होती है, उसके लिए क्या करना होता है, हमने उसके लिए आप ये देख लें कि आपकी ये जो स्किन समझ लें ऑयली है ना, तो आपने इसको ऑयल कंट्रोल फेस वॉश के साथ वॉश करना है। ठीक है, अगर आपकी ये स्किन ड्राई है ना तो आपने इसको नॉर्मल वाटर से वॉश करना है, जैसे कि हमने धो लिया। आपकी ये स्किन ऑयली है ना, आपने बस ऑयली स्किन वाले को ऑयल कंट्रोल वाले फेस वॉश के साथ वॉश किया, देन फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया। ठीक है, ये होती है टिप एक ये कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, जिनकी यहाँ से ऑयली होती है, यहाँ से ड्राई होती है, यहाँ से ऑयली होती है, यहाँ से ड्राई होती है। ठीक है, समझ आ गई बात। ते हैं मिक्स एंड मैच टेक्निक।
इसको क्या कहते हैं, मिक्स एंड मैच टेक्निक। जहां से हमारा फेस ऑयली था वहां से हमने ऑयल कंट्रोल फेस वॉश के साथ उसको ऑयल से यानी कि ऑयल उसका निकाल दिया, ठीक है। देन जो ड्राई वाली स्किन थी उसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया, ठीक है। और ड्राई स्किन वालों के लिए मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि आप फेस वॉश पहले ना यूज किया करें, आप नॉर्मल वाटर से वॉश किया करें, क्योंकि ड्राई स्किन वाले एक तो ऑलरेडी ड्राई स्किन होती है, दूसरा अगर आप उसको फेस वॉश कर लेते हैं तो फेस वॉश आपका जो ऑयल होता है ना, नेचुरल ऑयल होता है, उसको भी सक कर लेता है और आपका जो है मजीद आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ड्राई स्किन वाले जो है नॉर्मल वाटर से ज्यादातर वॉश किया करें, ठीक है। आपने वो चीजें यूज करनी है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने ऑयल कंट्रोल चीजें यूज करनी है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने ऑयली जो प्रोडक्ट्स होती है ना उनका यूज करना होता है, बेसिक टेक्निक तो यही होती है, ठीक है। और देन ये कॉम्बिनेशन वाले स्किन की बात हो गई, ठीक है। हमने अच्छे तरीके से, सबसे पहले जाहिर सी बात है हमने कोई मॉइस्चराइजर लगाना है, ठीक है। मॉइस्चराइजर आप ये वाला लगा लें, या अगर आपके पास निविया का दूसरा मॉइस्चराइजर है तो कोई भी लगा लें। देन आपने अपनी स्किन को अच्छे तरीके से वो कर लिया, क्या कहते हैं, सिरम से हाइड्रेट कर लिया। सिरम से हाइड्रेट करने के बाद आपने प्राइमर लगा लिया। प्राइमर लगाने के बाद कुछ देर यानी कि 2 सेकंड जो होता है आपने वेट करना होता है। देन आपने अपनी फाउंडेशन जो होती है डैम ब्यूटी ब्लेंडर से, मतलब गीले स्पंज की हेल्प से उसको लगाना होता है, ठीक है। ऐसे जी मामा, हाँ चला गया तला भाई के साथ, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद आपने इसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरह यानी कि आपने डैबिंग मोशन में इसको डैब डैब करते जाना है। और जैसे कि आपकी स्किन अंदर से जब आपकी बेस तब जब क्लियर हो जाती है ना, तो आपको पता चल जाता है ना, जब आपकी स्किन के अंदर से ग्लो आती है ना, तो समझ लें आपकी स्किन पर से जो बेस है ना वो परफेक्टली बैठ चुकी है, ठीक है। तो कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ ऐसे करके और उसको ऐसे से, ठीक है। कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी डन हो गए कि आपने क्या करना है, किस तरह से बेस लगानी है। देन अब हम बात करते हैं ऑयली स्किन वालों पे। ऑयली स्किन वाले इतने की परेशान रहते हैं कि उनकी जो है ना बेस टिक नहीं सकती, ठीक है। ऑयली स्किन वालों की बेस बिल्कुल भी यानी कि क्रैक हो जाती है, बहुत ज्यादा केकी लग जाती है। ऑयली स्किन वालों के लिए टिप यही है कि अपनी बेस कम से कम लगाया करें, ज्यादा बेस ज्यादा थोपा थोपी ना किया करें, क्योंकि ज्यादा थोपा थोपी करने से भी आपकी जो बेस है वो क्रैक हो जाती है, केकी लगने लग जाती है थोड़ी देर बाद। तो प्रोडक्ट जो है वो कम यूज करेंगे तो कभी भी आपकी जो है बेस जो है वो क्रैक या केकी नहीं लगेगी, ठीक है। सबसे अब हम बात करते हैं ऑयली स्किन वाले। सबसे पहले ऑयली स्किन वाले ऑयल कंट्रोल फेस वॉश के साथ यानी कि अपना फेस वॉश करेंगे, ऑयल कंट्रोल फेस वॉश के साथ फेस वॉश करेंगे। देन उन्होंने क्या करना है, कोई भी आइस क्यूब लेके यानी कि जो आइसिंग होती है बर्फ का टुकड़ा लेके उसको अपने स्किन के अंदर अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में उसको रब करना है, यानी कि मसाज करना है उसका आइसिंग का। ऑयल कंट्रोल फेस वॉश से वॉश करने के बाद आपने आइसिंग का मसाज करना है, ठीक है। आइसिंग का आइस क्यूब लेके उसको अच्छे तरीके से आपने मसाज करने के बाद कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर, मैं नहीं कहती कि जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ वो आप यूज करें, आपके पास जो प्रोडक्ट है ना आप वो यूज करें, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट है मैं वो यूज कर रही हूँ, आपके पास जो है आप वो यूज करेंगे। कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर लेके उसको ऐसे झाड़ने के बाद आपने क्या करना है, उसको फुल फेस पे ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाना है, ठीक है। क्या फेस के ऊपर लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपका ये जो ट्रांसलूसेंट पाउडर की टेक्निक है ये इस वजह से है कि आपके जो जितना भी ऑयल है वो सक कर लेगी, और जो आइसिंग वाली टेक्निक है ना, आइसिंग वाली टेक्निक तो मैं आपको बता नहीं सकती कि अगर आप आइसिंग वाली टेक्निक यूज करते हैं ना तो होती है ना, उनके पोर्स बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके पोर्स बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, उनको पोर स्लिंग श्लिंग करने के लिए उनको प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है। वो अगर आइसिंग करते हैं ना तो आपके आइसिंग से इंस्टेंट जो है ना, आइसिंग करने से आपके पोर्स जो है ना श्लिंग हो जाते हैं इंस्टेंट, आपको खुद फील होता है कि आपके टाइट हो गए हैं पोर्स बहुत ज्यादा। उसके बाद आप ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाएंगे तो आपका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सक कर लेगा ट्रांसलूसेंट पाउडर, और देन अगर आप फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये ऑयल कंट्रोल प्राइमर लगाना है। प्राइमर जो है आप पोरफिट प्राइमर भी लगा सकते हैं या मैट फिनिशिंग प्राइमर भी लगा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास इस टाइम क्रिस्टाइन का मैट फिनिशिंग है, ये आप देख लें, मैट फिनिशिंग
फाउंडेशन प्राइमर को थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा लेना है। आप इसका टेक्सचर देख लें कि कितना ज्यादा ये ना वो होता है, जैसे जेल लाइक फॉर्म नहीं होती, जेल भी नहीं होती, पता नहीं ये बड़ा आपको वो लगता है कि पता चलता है कि मैट प्राइमर है। ठीक है, मैट प्राइमर को आपने इस तरह से रख लिया, जहां जहां आपको ऑयल आता है वहां वहां आपने ऑयल वाले हिस्से पे अपना मैट प्राइमर जो है रब किया ऐसे ऐसे। तब फंक्शन पे जाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, 10 मिनट अपने आप पे लगाने पड़ेंगे। जब 2 घंटे की एक घंटे के अंदर बेस खराब हो जाएगी, उसको हैंडल करने के लिए कुछ तो 10 मिनट पहले करना पड़ेगा ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लेंडर है या आपके पास कबू की ब्रश है, ठीक है, कबू की ब्रश ना लें। अगर आपके पास ब्लेंडर है ना, ब्लेंडर से जो है ना आपने इसको वेट नहीं करना, ठीक है। ऑयली स्किन वाले ब्लेंडर को बिल्कुल भी वेट करके यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वेट करके यूज करेंगे तो आपकी फिनिशिंग और ज्यादा डूई लगेगी और आपकी जो स्किन है ना और ज्यादा हाइड्रेटिंग लगेंगी, मतलब कि ऑयली लगेगी, ठीक है। तो आपने ब्लेंडर को जो है बिल्कुल भी वेट नहीं करना, और यानी कि ड्राई स्पंज के साथ ही आपने बेस बनानी है। जैसे कि मैंने आइसिंग कर ली, ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा लिया, देन मैंने क्या करना है, ड्राई स्पंज लेके ड्राई स्पंज ऐसे ऐसे उसको बेस बनाना है, ठीक है। और हमेशा जो बेस होती है वो डैबिंग मशीन में बनती है, ऐसे 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 ऐसे, ज्यादा रगड़ना नहीं होता आपने बेस को, ठीक है। नहीं तो आप जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतनी अच्छी आपकी बेस लॉन्ग लास्टिंग होगी और उतना ही अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे, एसी भी ऑन कर लो ना तो उसकी भी आवाज नहीं आती। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा यही पे क्लियर होता है। देखिए, मैंने आपको ऑयली स्किन का भी बता दिया, ड्राई स्किन का भी बता दिया, कॉम्बिनेशन स्किन का भी बता दिया। नेक्स्ट ये 3 जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप थी ना, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग किस किस तरह से अपनी स्किन को पैक करके अपनी स्किन को यानी कि फाउंडेशन लगानी है, जिससे आपकी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनेगी। कोई भी स्किन में बेस को सेट करने के लिए लास्ट मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट स्टेप, बेस को पकड़ा, स्पंज को पकड़ा, स्पंज ब्लेंडर लिया, ब्लेंडर के ऊपर ट्रांसलूसेंट पाउडर हो या कोई कम्पैक्ट पाउडर है, ट्रांसलूसेंट पाउडर में ज़्यादा आपको वो करती हूँ कि ये लाइट हो, कम्पैक्ट पाउडर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी होकर ही बन जाता है। आप ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज करेंगे ना उसका बेनिफिट ये होता है कि ये लाइट हो। आपने इस तरह से लिया और इसको अपनी जहाँ जहाँ आपको लाफ लाइन्स पड़ती हैं, जैसे कि आपको ये स्माइल लाइन्स पड़ती हैं, रिंकल्स हैं, रिंकल्स के नीचे आपको लाइन्स पड़ती हैं, इधर पड़ती हैं, इधर पड़ती हैं, इधर पड़ती हैं, जहाँ पे भी पड़ती हैं आपने अच्छे तरीके से अपना समर्स में सेट करना है। करने से ये होगा कि आपकी बेस जो है वो लॉक हो जाएगी, ठीक है, लॉक हो जाएगी, क्योंकि अगर हम फोन लगाते हैं तो हमारी बेस ट्रांसफर हो जाती है, इससे हमारी जो बेस है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। 1 सेकंड के लिए रखने के बाद आपने इसको स्वाइप अप कर देना है, 1-2 सेकंड के बाद, ठीक है। ड्राई स्किन पे किस तरह से यूज कर सकते हैं, ऑयली स्किन पे किस तरह से यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन पे किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये 3 स्टेप्स जो है मैंने आपको इन इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी, पार्ट 2 में जो है मैं क्लियर करूंगी कि आप अपनी यानी कि पिगमेंटेशन वाली स्किन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पिगमेंटेशन जिनके होती है ना बहुत ज्यादा उनके भी बेस नहीं दिखती, ठीक है। उनकी जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन होती है ना वहाँ से बेस ना और ज्यादा मजीद डार्क हो जाती है, उसको कवर करने के लिए आप क्या कहते हैं, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, और अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं उसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, अगर आपकी बेस बहुत ज्यादा ग्रे हो जाती है और आपको फाउंडेशन यानी कि नहीं पता कि आप कौन सी फाउंडेशन चूज करें कौन सी ना करें, तो उसके लिए भी ये वाला पार्ट होगा, ये वाली पार्ट करना है। मेरे इन स्टेप्स को फॉलो करें, आपकी बेस जो है कहीं रिप्लेस नहीं होगी, कहीं कैकी नहीं लगेगी, कहीं कुछ नहीं होगी। और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी नोज से जो बेस रिप्लेस हो जाती है वो क्यों होती है, और किस तरीके से आपकी बेस जो है वो नोज पे जो आपके ब्लैकेट्स होते हैं वो ज़्यादा शो होने लग जाते हैं, वो क्यों होते हैं, ये सारी टिप्स जो है मैं नेक्स्ट में अब आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, क्योंकि इसके टिप्स ये टिप्स ऐसी हैं जो कि आप अगर आप स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो स्टिक फाउंडेशन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसके अलावा कोई फाउंडेशन यूज़ करते हैं उस पे भी ये टेक्निक यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। ये सब
यानी कि इस फाउंडेशन के लिए है, जस्ट मैं ये नहीं बता रही हूँ कि सिर्फ इसी के लिए है। अगर आई थिंक मैंने आपको इतने स्टेप्स बताए हैं कि मुझे खुद नहीं याद कि मैंने आपको कितने स्टेप्स बता दिए हैं फाउंडेशन को, स्टिक को यूज़ करने के। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आई थिंक मेरा ख्याल है कि किसी ने आपको इस तरीके से डिटेल से वीडियो ने मैं नहीं बताया होगा कि इस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज सपोर्ट मी। सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज मत जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ऐसी मजे मजे की वीडियोस और देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियोज कौन कौन सी चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए, ठीक है? तो मैं उन पे भी वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह। और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।